एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी थी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहां के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उलाहने शांति से बिना बोले सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं यहाँ से जाऊँ। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर वहाँ के लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी भी गालियाँ दे दो, मैं उन्हें लूंगा ही नहीं। आपके गालियाँ देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, और जब मैं इन गालियों को लूंगा ही नहीं तो यह कहाँ रह जाएंगे, निश्चित ही आपके पास। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा करके हम अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम लोगों के निगेटिव बातों को कैसे लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं या नकार रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।